नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तेजशील कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंडर के बारे में, और जो टेंडर आपका है ये कितने प्रकार के होते हैं इस पे हम बात करेंगे। दूसरा, आपको कौन सा टेंडर भरना चाहिए मैं एक चीज़ करके आपको बताता चलूँगा। आप बने रहिएगा वीडियो में, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, टेंडर कितने प्रकार के होते हैं, पहला पॉइंट आता है हमारा। अब दोस्तों, टेंडर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में से आपको मैं एक एक के अलग अलग बताता चलूँगा। पहला टेंडर जो होता है वो होता है गुड्स का। गुड्स का टेंडर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या आता है मैं आपको ये भी इसके साथ साथ ही बताऊँगा। दोस्तों, गुड्स के अंदर वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे PWD हो गया, ZP हो गया, या कोई हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, या सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर वो क्या करते हैं, कोई भी सामान मंगवाते हैं तो उसका वो टेंडर निकालते हैं। कैसे? अगर कोई कॉलेज है तो उसके अंदर एजुकेशन्स की जो बुक होती है या कॉपी होती है उसके लिए भी वो टेंडर मांग सकते हैं, टेंडर निकाल सकते हैं। या ये हॉस्पिटल है, उसके अंदर दवाई गोलियों का काम हो सकता है, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो किसी में, मतलब एक एक चीज़ वो सब आजकल टेंडर से मंगाते हैं। तो जो भी चीज़ वो खरीदते हैं उसको टेंडर के थ्रू खरीदते हैं, तो इसको हम गुड्स का टेंडर कहते हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा पॉइंट है आपका सर्विसेज। दोस्तों, सर्विसेज के अंदर कौन से टेंडर आते हैं इस पे हम बात कर रहे हैं। सर्विसेज के अंदर जो टेंडर, हम एक बात ध्यान रखना कि कोई भी जो सरकारी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर हम सर्विस देते हैं। सर्विस यानी कि अब आप ऐसे मान के चलते जैसे कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर हम कोई आदमी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे गार्ड्स, गार्ड जो होते हैं वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, या किसी भी मतलब उसमें लेबर सप्लाई करते हैं। तो ये आदमी जो हम सप्लाई करते हैं, मतलब हम सर्विस देते हैं आदमियों की, या किसी चीज़ की सर्विस देते हैं, जैसे मेंटेनेंस की सर्विस दे दी हमने, कि AC की सर्विसेज होती हैं, जैसे AMC बोलते हैं उनको, एनुअल मेंटेनेंस बोलते हैं। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का अगर हम सर्विस देते हैं उनको, तो ये टेंडर हैं वो सर्विसेज के उसमें दायरे में आते हैं। दोस्तों, दो पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं, पहला गुड्स का था, दूसरा सर्विसेज का था। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंदर आपको वर्क्स का वो आता है टेंडर। इसके अंदर क्या होता है, वर्क यानी काम, इसके नाम से ही जाना जाता है। अब दोस्तों इसको इस तरीके से समझते हैं, जो भी काम, जैसे आप सिविल वर्क में ले लीजिए, मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि सिविल वर्क में कैसे क्या करते हैं। जैसे हम कोई भी काम होता है, जैसे रोड का ले लीजिए या बिल्डिंग बनाने का ले लीजिए, कोई भी काम ले लीजिए, अगर हम उस काम को करते हैं सरकार के यहाँ जाके, तो वो वर्क जो टेंडर होते हैं वो वर्क के टेंडर में आते हैं, क्योंकि सरकार टेंडर निकालती है कि हमें ये काम करवाना है। 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, जो भी आदमी जितने भी हो टेंडर डाल सकते हैं, तो आप उसके अंदर अपना काम, टेंडर काम के जो टेंडर होते हैं उनको डाल सकते हैं। तो ये होता है वर्क का टेंडर। तो दोस्तों, तीनों बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। पहला हमारा गुड्स का टेंडर था, दूसरा हमारा सर्विसेज का टेंडर था, और तीसरा हमारा वर्क का टेंडर था। दोस्तों, तीन तरह के टेंडर क्लियर हो चुके हैं। अब पॉइंट आता है आपको टेंडर भरना कौन सा चाहिए, मेन पॉइंट ये है। दोस्तों, टेंडर जब हम भरते हैं तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग भी मेरे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कौन सा टेंडर भरना चाहिए। तो ये चीज़ें इस तरीके से समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊं, क्योंकि ये चीज़ें शायद ही आपको कोई बता पाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझ में आए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है बात में, मैं आपको बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आपको कौन सा टेंडर भरना है, सभी टेंडरों में से ये ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट तो आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आप टेंडर भरना चाह रहे हैं, तो टेंडर की पहली प्रक्रिया आप ये ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ आपको एक टेंडर चुनना है। कौन सा? जो आप काम करते हैं खुद। मैं बता चुका हूँ इस बात को,
फिर मैं आप रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो आप करना जानते हैं, वो ही टेंडर आप भरें। इसका मतलब समझना, जैसे अगर आप रोड का काम करना जानते हैं तो सिर्फ रोड का टेंडर ही डालना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको बिल्डिंग से संबंधित काम आता है तो सिर्फ आप बिल्डिंग का टेंडर ही डालें। इससे दोस्तों आपको फायदा क्या है, ये मैं पहले बात बता रहा हूँ। इसके अंदर ये होता है, जो भी काम आप जानते हैं उसको आप आराम से कर सकते हैं, इससे आपको नुकसान होने के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर आपने गलती से भी कोई दूसरा टेंडर डाल दिया, जो टेंडर आप डाल रहे हैं और उसकी आपको नॉलेज नहीं है, ये पहली बार का पॉइंट आता है। पहली बार में अगर आप टेंडर डाल रहे हैं तो आप ऐसा टेंडर ना डालें कि आपको पता नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हैं, क्या करते हैं कि अनभिज्ञता होती है, उनका दोष भी नहीं मानता मैं, क्योंकि वो क्या करते हैं उनको पता नहीं होता। और बहुत सारे टेंडर में कोई सा भी टेंडर, पार्किंग वगैरह का, बहुत सारी चीज़ें हैं उनका डाल देते हैं, अब उनको आइडिया नहीं होता। फिर उसके बाद हम वो आदमी ढूंढते फिरते हैं, फिर वो आदमी भी अगर टेंडर वायदे में निकल गया और वो आदमी मिलेंगे तो उससे इतनी रेट पैसे मांग लेते हैं, वो टेंडर का पूर्ति नहीं होता और उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो उसमें घाटा खा जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग करने के लिए आपको इसके अंदर पैर रखने के लिए, यानी कि जगह बनाने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा टेंडर डालना है एवं जिस चीज की आपको जानकारी है वो टेंडर डालना है। और इससे पूरा एक टेंडर डालने से आपको सारी ABCD समझ में आ जाएगी पूरी, जिस भी विभाग में आप करना मतलब काम करना चाहते हैं उसकी। तो ये टेंडर की प्रक्रिया आप इस तरीके से करते चलें, इससे आपको होगा क्या कि नुकसान नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों और जानकारी के लिए आप बहुत सारे वीडियोज हैं जो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके, और उसमें मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ, उस पर आराम से देखते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।